नमस्कार, मी अनुष्का शंखना न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपल्या सर्वांचं परत एकदा स्वागत करते. बघूया आजच्या काही मराठी ठळक बातम्या. देशाच्या संविधानाला 75 वर्ष झालेली असताना संवैधानिक अधिकारासोबतच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक नागरी कर्तव्यांचे धडे देणार आहेत. पुढील वर्षी वाटचाल करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने यासाठी पंचपरिवर्तन अभियानांतर्गत कृती आराखडा तयार केला आहे. याविषयीची माहिती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यामध्ये पंचपरिवर्तन म्हणजे सर्व समाजाने एकत्रितपणे समाज परिवर्तन घडविण्याचा प्रयत्न असून यात नागरी कर्तव्याचाही समावेश होतो. दिनांक 15 ते 17 मार्च दरम्यान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेची बैठक नागपुरातील रेशीमबाग स्थित स्मृती मंदिर परिसरात होत आहे. यावेळी अयोध्येतील राम मंदिर लोकार्पण रामलला प्रतिष्ठापन सोहळ्याच्या निमित्ताने सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत यांनी सुतोवाच केल्यानुसार अभिनंदन प्रस्तावासोबतच रामराज्याप्रमाणे सामाजिक परिवर्तनाची निरंतर प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या दृष्टीने एक प्रस्ताव या प्रतिनिधी सभेत होणार असल्याचे त्यांनी एका प्रश्नाचे उत्तरात स्पष्ट केले. करता वो सब मिलकर माननीय सरकारवाजी का चुनाव करेंगे, तो ये चुनाव इस बैठक के दौरान ही होगा. जैसे जैसे ये सारे निर्णय होते जाएंगे आपको समय समय पर इसकी सूचना हम लोग देंगे. 15 तारीख को जब विधिवत इसका पुष्पार्चन से प्रारंभ होगा तब आपके वीडियो और फोटोग्राफर्स को हम लोग सभागार में भी आमंत्रित करेंगे और उसके पश्चात कोई ना हमारे सहसर कार्यवाह यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग करेंगे जिसमें अपने प्रतिवेदन की प्रतियां और बाकी सब जानकारी आपको दी जाएगी. और जैसे ही प्रस्ताव और सरकार माननीय सरकारवाजी का चुनाव की जानकारी वो 16 तारीख या 17 तारीख जैसे संभव होगा आपको देंगे. और 17 तारीख को यानी बैठक के अंतिम दिन दोपहर इसी समय अपने माननीय सरकार उस समय जो भी होंगे मतलब वो प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे. और उस प्रेस वार्ता में ये तो प्रेस ब्रीफिंग है, उसमें प्रश्नोत्तर भी रहेंगे, इसलिए आपके जो भी प्रश्न होंगे विस्तार से प्रश्न उस समय ज्यादा पूछ सकते हैं. अभी बैठक के संदर्भ में कोई या मेरे इस ब्रीफिंग के संबंध में कोई प्रश्न होगा तो अभी पूछ सकते हैं. ऐसा है कि जो भी वर्तमान परिस्थिति में सारे विषय चलते रहते हैं उन विषयों पर यहाँ पर अपने अपने अनुभव और परिस्थिति की चर्चा यहाँ पर स्वयंसेवक करते हैं. जिन जिन बातों पर चर्चा होगी आपको विस्तार से 17 को बताया जाएगा. ऐसा है सीए विषय पर हम लोगों ने ये तो अभी तो रूल्स बने हैं केवल, बाकी सीए का प्रस्ताव तो पहले ही हो गया था तो हमने तो उसका पहले से ही समर्थन कर दिया है. अभी निश्चित नहीं है उस पर भी पहले ही मतलब संघ के द्वारा इस बात को पहले भी कहा गया है. अब जब उत्तराखंड ने इस बात को लेकर आए थे उस समय इस बात के हम लोग समर्थन में है और इससे लोगों के अधिकार ही व्यापक होंगे. जी 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 बिल्कुल 2025 की विजयादशमी जो होगी उस समय 100 वर्ष पूरे होंगे, तो शताब्दी पूर्ति वर्ष जो होगा 25-26 विजयादशमी से विजयादशमी उसमें उपक्रम रहेंगे शताब्दी संदर्भ में. इसका हाँ जी जैसे ही माननीय सरकारवादी का चुनाव होता है उसके पश्चात इस बैठक 3 वर्ष की कार्यकारिणी का काल होता है तो वो 3 वर्ष की कार्यकारिणी का काल समाप्त होता है उनके साथ ही, तो जब बैठक के अंतिम समय में वो नई कार्यकारिणी की घोषणा भी करें. सभी ऐसा है सभी संगठन के अध्यक्ष उसके महामंत्री और संगठन मंत्री और कुछ अन्य कार्यकर्ता इसमें अपेक्षित होते हैं, तो सभी बीजेपी से भी अध्यक्ष संगठन मंत्री दो अपेक्षित है, बाकी अन्य कुछ कार्यकर्ता. जी मैं ये पिछला लक्ष्य बता रहा हूँ, पिछली संख्या बता रहा हूँ पिछले बैठक की. ऐसा है कि ये 68,000 जो मैंने बताया वो पिछली बैठक का है पहली बात. और दूसरी बात अभी तो इस बैठक में तो हम समीक्षा करेंगे कि कितनी शाखाएं हुई है तो आपको बताया भी जाएगा पहली बात. दूसरी बात ये है कि
आने वाले समय में ये जो हमारा शाखा वृद्धि को विस्तार का जो कार्य होता है उसके लिए लगभग 3000 लोगों ने अपना 2 वर्ष का समय दिया था और आने वाले समय में भी ऐसा और कुछ लोग समय देंगे। तो एक शाखा जो होती है सक्षम वो दूसरी शाखा को बढ़ाते हैं, दूसरी शाखा का विस्तार करते हैं, ये उसकी विस्तार की पद्धति होती है। तो इस क्रम से इतनी हमें लगता है कि इतनी सक्षम शाखाएं होगी कि जो इतना विस्तार कर ली उसका ऐसा है कि ये एक प्रवाही संगठन है, सामाजिक संगठन, तो हर समय इसकी चिंता होती रहती है। कार्यकर्ता स्वयंसेवक इतने हैं सक्षम है कि वो इसकी चिंता करते रहते हैं। मुझे लगता है मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि जितने भी सारे विषय होंगे उन पर वर्तमान के उसका उसकी अपनी जानकारी प्रांत के लोग रखते हैं और उस पर चर्चाएं होती है। बाकी निश्चित कौन से विषयों पर क्या चर्चा होगी कार्यकारी मंडल अनुमोदित करता है कि इन विषयों पर प्रतिनिधि सभा में चर्चा होगी। तो कार्यकारी मंडल की बैठक कल है तो उसमें जैसे अनुमोदित हो जाएगा 15 को विभिन्न आपको जानकारी दे देंगे। गुरुवारी कार्यकारी मंडळाची बैठक होणार आहे। यात देशातील वर्तमान राजकीय सामाजिक दृष्टीने चर्चिल्या जाणाऱ्या विविध प्रस्तावांवर निर्णय घेतला जाईल। सध्या ज्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यात आला आहे त्यात अयोध्येतील राम मंदिर प्रस्तावाचा समावेश आहे। यासोबतच समान नागरी कायदा CAA संदर्भात संघाची समर्थनाची भूमिका आहे। याबाबतीत चर्चा होणार का हे कार्यकारी मंडळ ठरवेल असेही सांगितले। या प्रतिनिधी सभेच्या निमित्ताने नव्या सरकारी वाहनांची निवडणूक व त्यांच्या नव्या कार्यकारिणीची 3 वर्षांसाठी घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती सुनील आंबेकर यांनी दिली। शंखनाथ न्यूजसाठी ब्युरो रिपोर्ट। क्या हुआ बहू? माँ पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल्स स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड दिघोरी बस स्टॉप के पास नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepilesHospital.com।